नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आपका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये टिकोमा का फूल है, ये पीले रंग का है। ये जब जाड़ा और गर्मी दोनों का मौसम रहता है तो ये फूल गुच्छों में खूब खिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी पत्तियां इस तरह होती हैं, इसकी पत्तियां जैसा कि देख रहे हैं ये आरी की तरह कटी हुई होती हैं और अंडाकार होती हैं। ये और भी कलर में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीले ही आपको फूल देखने को मिलते हैं। यह फूल जो है जाड़े में नहीं खिलता है, जाड़े में इसका रंग बदरंग हो जाता है, थोड़ा पत्तियां झड़ जाती हैं, इसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब गर्मी और सर्दी का मौसम मिक्स होता है तो इसमें फूल जो है ज़्यादा खिलने लगते हैं, और कितने फूल आकर्षक लगते हैं। इस पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, जब ये इसकी मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना चाहिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। इस पौधे को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, क्यारी में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। एक बार मैंने इस पौधे को, छोटे पौधे को मैंने बाज़ार से खरीद लिया था और लगा दिया, जो सालों साल चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। जब इसका मौसम आता है तो खूब अच्छे से फूल खिलने लगता है। इस फूल को मैंने गमले में भी लगाया, लेकिन इसमें भी प्रचुर मात्रा में ये फूल खिला हुआ है और ये कितना आकर्षक लग रहा है। इस फूल में देखिए, इसके धीरे धीरे जो है कलियाँ निकल रही हैं और ये गुच्छे में खूब खिलने लगेगा। इस फूल में मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी मंडराती रहती हैं। फूल तितलियों और मधुमक्खियों को भी बहुत पसंद है। ये पौधा लतरदार होता है, इस पौधे में कई शाखाएं निकल जाती हैं और जितनी शाखाएं निकलती हैं उतने ही फूल शाखाओं में निकल आते हैं। ये पौधा लतरदार होने के नाते स्पेस ज़्यादा रहता है और झुक जाता है, लेकिन लटकती शाखाओं में जब फूल भरपूर मात्रा में खिलता है तो और भी मनमोहक लगने लगता है। इसके फूल कोमल और हल्के होते हैं, प्रकृति की हवाएं चलती हैं तो ये फूल गुच्छों में खिला हुआ और भी सुंदर नज़र आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी आकृति घंटे के समान होती है, इसलिए इसे वैज्ञानिक ने इसका नाम बेल फ्लावर रखा है। टिकोमा का फूल जाड़े में नहीं खिलता है, यानी दिसंबर और जनवरी में नहीं खिलता है, बाकी मौसम में ये भरपूर मात्रा में खिलता है। दोस्तों, यदि आपने मेरे किसी वीडियो को देखकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने की सूचना नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ लाइक एवं शेयर अपने रिश्तेदारों और मित्रों को ज़रूर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।